वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैंने लास्ट में आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक टेबल बनवाई थी, वो टेबल मैं एक बार दोबारा बनवाता हूँ और मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा बताइए cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बताएंगे दिव्यांशी cos 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। शिवांश cos 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। अरे मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। आवाज आ रही है इंदर, तो बताओ फिर cos 60 डिग्री की वैल्यू। सर 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन 2 होता है, गलत है ये। cos 60 डिग्री पूछ रहा हूँ मैं। प्राजक्ता बताइए sin 45 डिग्री की वैल्यू। प्राजक्ता सर मैं बताऊं? बताइए। सर 1/√2। ठीक है, और न्यासा बताओ tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। 1/√3। ठीक है, चलिए जी शिवांश आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। आप बताइए tan 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, चलिए जी अब जरा मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ जो हमने कल टेबल बनवाई थी इसकी। तो जो हमने टेबल डिस्कस करी थी वो किस तरह से बनती है टेबल, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इसमें हम ये लेकर चलते हैं कि इधर है थीटा, थीटा हो गया और इधर हो गया टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो थीटा यानी कि जो एंगल है, एंगल की क्या क्या वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और फिर अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं साइन थीटा, साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हमको याद करनी होगी साइन थीटा। थीटा अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा में यही जो वैल्यूज है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं हम। सबसे लास्ट में क्या था यहाँ पर 1, तो 1 को सबसे पहले लिखो। सेकंड लास्ट पोजीशन पर था √3/2, तो इसको सेकंड पोजीशन पर लिखो √3/2। थर्ड लास्ट पोजीशन पर क्या था 1/√2, तो इसको यहां से थर्ड पोजीशन पर लिखो। फिर पीछे से फोर्थ पोजीशन पर क्या था 1/2, तो इसको आगे से फोर्थ पोजीशन पर लिखो 1/2। सबसे सबसे पहली वैल्यू क्या थी 0, तो यहां सबसे आखिरी वैल्यू लिखिए 0। अब देखिए ये हो गया tan थीटा, तो tan 0 डिग्री। अब वो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका ये है कि भाई आप 0/1 करें तो 0/1 क्या होगा 0, 1/2/√3/2। तो जब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी 1/√3। 1/√2/1/√2 ये वैल्यू आ जाएगी 1, √3/2/1/2, 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू आ जाएगी √3। 1/0 ये वैल्यू, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, जिसको इंफिनिटी भी कहा जाता है, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी।
और इसके बाद देखिएगा, इसके बाद में क्या डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल आ गई। मैंने कल आपको बताया था कि वर्कडन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने ये बताया था। अब हम ये कहेंगे कि इसका और जनरलाइज फॉर्मूला अगर हम देखना चाहेंगे तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है, जनरल फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये होता है बेटा जनरल फॉर्मूला, याद रखिएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो अगर आपसे कोई भी चीज, अगर आपसे कोई भी, मैं आपसे कुछ कुछ जनरल आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो नाइन्थ क्लास में काफी पूछे जाते हैं, वेदर अब जैसे आपका मान लीजिए जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो अब जो ये ऑनलाइन का सब कुछ चल रहा है तो इसमें आपके देखिएगा इसमें ठीक ठाक वेटेज है वाइवा की भी, तो आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उन फाइनल एग्जाम्स में वाइवा की भी वेटेज काफी बढ़ा दी है। तो आप ये देखिएगा कि जब आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर में, तो वहां पे अगर आप चीजों को एक्सप्लेन करने बैठ गए बहुत टाइम लगेगा। वाइवा में जनरली टीचर को क्या चाहिए होता है कि श्योर शॉर्ट और बहुत क्रिस्प में शॉर्ट में आंसर चाहिए होता है, तो वहां पे आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप W वर्कडन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा जब बताएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एक्सप्लेन करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये मैं कैसे कह रहा हूँ ये अभी आपको बताता हूँ, तो धीरे धीरे आप चीज समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जब कोई मैन है, when there is a man standing on a bus stop and he is holding two briefcases in his both two hands, तो उसके पास briefcases हैं, वो उसने पकड़ रखे हैं, और हम ये बोलते हैं कि वो ना मोशन नहीं कर रहा है, वो चल नहीं रहा है। तो जब वो चल नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो वर्क डन उसका कुछ है ही नहीं वर्क, और जबकि वो पूरी तरह से थक जाएगा थोड़ी देर में, वो थक जाएगा और उसको वो ब्रीफकेसेस नीचे रखने पड़ जाएंगे। तो वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है, वर्क डन की डेफिनेशन ये कहती है कि जब तक आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक आपका मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक आपका वर्क डन कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन कहती है। अब हम ये कहते हैं कि वो इंसान जो है वो सामान उठाकर खड़ा हुआ है, लेकिन और उसको सामान उठाने में तो ताकत लगानी पड़ती है ना, तो वर्क तो करना पड़ता है, तो वर्क डन जीरो कैसे हो गया, तो उसको हम बाय दिस फॉर्मूला बहुत आसानी से बहुत शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताइएगा, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कि वर्क डन व्हेन अ फोर्स acts, work done when a force acts obliquely on an object. अभी इस obliquely का मतलब क्या होता है ये समझना है आपको। obliquely का मतलब ये है कि जो force है ना वो एकदम straight line में नहीं लगती, एकदम सीधी सीधी force नहीं लगती, force एक angle पर लगती है। obliquely का मतलब क्या है, when force is applied at an angle, ये इस वर्ड का मतलब है। ऑब्लिकली इसका मतलब क्या होगा, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट एन एंगल एज शोन। अब देखिए भाई यहाँ पर हमको एक ना डायग्राम शो कर रखा है, अब उस डायग्राम की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर एक टॉय कार रखी हुई है, इस ग्राउंड पर एक टॉय कार है, ये टॉय कार है,
और इस टॉय कार में आप ये समझिएगा कि बच्चा है वो इस टॉय कार को ऐसे सीधा नहीं खींच रहा है, उसने वो ऐसे खड़ा हुआ है और उसने अपने हाथ में एक थ्रेड पकड़ा हुआ है, ऐसे एक थ्रेड पकड़ा हुआ है और वो इस तरीके से इसको खींच रहा है, मतलब इसको फोर्स ऐसे लगा रहा है, फोर्स एफ वो इस तरीके से लगा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल्ड जो रोड है ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है फोर्स, उस एंगल को बेटा आपने बोल दिया थीटा। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि अब जो ये फोर्स है वो फोर्स ऐसे वर्टिकली नहीं लग रहा है, वो फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि एक फोर्स हम ऑब्लिकली लगाते हैं यानी कि एट अ पर्टिकुलर एंगल लगाते हैं, तो उस केस में वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तभी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं वर्क डन का मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, मैं वो भी करवाऊंगा, लेकिन पहले जब मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ तो पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहले ये बताइए इतना सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. इतना सब बच्चों को क्लियर है कि जब भी फोर्स किसी बॉडी पर हम स्ट्रेट फोर्स नहीं लगाते, हम एक एंगल पर फोर्स लगाते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा ये है, अब थीटा की कुछ ना कुछ हमें वैल्यू दे रखी हुई, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो उसी हिसाब से मैं मान लो 30 डिग्री दे रखा है तो कॉस थीटा कितना हो गया, रूट 3/2। मान लीजिए 45 डिग्री दे रखा है तो कॉस थीटा कितना हो गया, 1/√2। तो इस तरीके से लेकर चलना है। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको और अब जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना यही डायग्राम है समझ लीजिए। और क्वेश्चन क्या है, a child pulls a toy car through a distance of 10 meters on a smooth horizontal floor. Through a distance of 10 meters on a smooth horizontal floor. Smooth horizontal floor. Full stop. The string holding child's hand. The string held in child's hand makes an angle of 60 degrees with the horizontal surface. Makes an angle of 60 degree with the horizontal surface. Full stop. If the force applied by the child be 5 newton, calculate the work done by the child. Calculate the work done by the child by the child
इन पुलिंग का क्या होगा, इन पुलिंग द टॉय कार, समझ गए जी क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक बच्चा एक टॉय कार को एक स्ट्रिंग की हेल्प से खींचता है। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में थीटा एंगल बनाता है, और जो थीटा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। If the force applied by the child be 5 newton, calculate the work done by the child in pulling the toy car. तो हम ये बोलेंगे, here force कितना दे रखा है, 5 newton. Displacement s कितना दे रखा है, 10 meter. और angle theta कितना दे रखा है, 60 degree. ठीक है ना? तो work done. Work done, W क्या हो जाएगा, F S cos theta, value डालिए, F की value कितनी है, 5 newton, S की value कितनी है, 10 meter, और cos theta मतलब cos 60 degree, ठीक है, तो 5 10 का कितना हो गया, 50, और cos 60 कितना होता है, देखिए, cos 60 कितना होता है, 1/2, 50 into 1/2, 225 का, तो वैल्यू आ गई 25 जूल। बता दीजिए सबको क्लियर है, सबको क्लियर है कि नहीं, गरिमा बताइए। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर सारे क्वेश्चन 4 डिग्री से ही आएंगे बस, 30 45 60 और 90। हाँ इन्हीं एंगल्स में से, आप ये सोचो कि कोई अलग एंगल आ जाएगा, नहीं कोई अलग एंगल नहीं आता है, यही मोस्ट कॉमन एंगल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर कोई अलग एंगल आएगा तो उसकी वैल्यू आएगी, कभी नहीं आता कोई अलग एंगल, यही एंगल्स आते हैं, समझ गए? यस सर। अच्छा अब उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्क डन व्हेन द फोर्स, अब मैं ये भी डालू, और अब उसके बाद मैं इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करता हूँ जो क्वेश्चन हमने कल करा था उसकी बात करते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जैसे हमसे ये कहा गया कि वर्क डन When a force acts obliquely on an object, जब कोई फोर्स obliquely लगता है, obliquely मतलब at an angle, कि जब किसी एंगल पर फोर्स लगाते हैं तो तब हमारा वर्क डन होता है fs cos theta, ये तो इन्होंने बोल दिया। अब हम ये कहेंगे कि नहीं, हम तो वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले नहीं यूज करेंगे, हम तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटा वो एक फॉर्मूला ये होगा fs cos theta, ठीक। अब जरा देखिएगा, मैं इसी फॉर्मूले से जो हमने कल क्वेश्चन करा था, मैं इसी फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को करूंगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। देखिएगा, कल जो हमने क्वेश्चन करा था वो था हाउ मच वर्क इज डन, मैं दोबारा लिख रहा हूं और इधर ये मिटाकर ये कर रहा हूं, और अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कि क्वेश्चन में कोई भी जो वर्ड दे रखा होता है वो फालतू में नहीं दे रखा होता। अब देखिएगा, कल ही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, अगर आपने नोटबुक में नोट करा होगा तो फिर आप देख पाएंगे उसको। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन by a force of, how much work is done by a force of 10 newton in moving an object through a distance, in moving an object, moving an object through a distance
moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force. ठीक है बेटा, ये दे रखा था कल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि अगर हमारे पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला होता कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू एस, तो ये लास्ट की लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन सिर्फ इतना दे देते, हाउ मच वर्क इज डन बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। भाई डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर, फोर्स दे दिया 10 न्यूटन, तो 10 × 1 10 जूल आ जाएगा, यही हमने कल करा था। लेकिन लास्ट में एक लाइन उन्होंने दे रखी है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है अब समझिएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब यह है बेटा कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है ऐसे, और मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट किसी एक सरफेस पर रखा हुआ है ऐसे, और उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है वो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये टॉय कार वाले क्वेश्चन में फोर्स ऐसे लगाया था और ये एंगल था बेटा 60 डिग्री, समझ रहे हैं, ये एंगल 60 डिग्री था, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये मेंशन था इस क्वेश्चन में, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बना फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाया गया है जिस डायरेक्शन में मोशन है। तो आप भी देखिएगा, अगर ये जो फोर्स है ये मोशन की डायरेक्शन ये है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस बच्चे को ना आए समझ में दोबारा पूछना मेरे से। ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स लगी हुई थी 60 डिग्री पर एज पर लास्ट क्वेश्चन। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये जो एंगल है इसको आप कम करते जाओ तो 60 से कम हो सकता है 45 हो, 50 हो, 45 हो, 40 हो, फिर कम होकर 30 हो जाएगा, बढ़ाते जाओगे तो ये ऐसे 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 सीधा हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आ जाए, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। बताइए ये 60 डिग्री से कम होते 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 फाइनली अगर ये बिल्कुल ये फोर्स इसी डायरेक्शन में हो जाए तो इसका मतलब एंगल कुछ बनाएगी, जब एंगल कुछ बनाएगी तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। बताओ समझ गए कि नहीं? यस सर, यस समझ गए ना। तो अब हम ये कहेंगे कि यहां पर जो बेटा फोर्स लग रही है वो ये है, यहां पर फोर्स कहां लग रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में लग रही है। तो हम ये कहेंगे सिंस फोर्स इज एक्टिंग, since force is acting in the direction of motion, therefore theta is equal to 0 degree, angle कुछ बन ही नहीं रहा है, theta is equal to 0 degree। और मैं क्या करूंगा, मैंने जो एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला इन्होंने दिया मैं उसी को यूज करूंगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू is equal to fs cos theta, force कितना है, force है 10 न्यूटन का, तो लिखिएगा 10, displacement कितना है बेटा 1 meter, 1, और theta कितना है 0 degree, तो cos 0 degree। अब आप ये देखिए ये क्या हो गया 10 into 1 multiplied by cos 0 degree की value क्या होती है, cos 0 degree की value 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास 10 जूल ही आ गया, मतलब एंगल जब कुछ नहीं बना तो उसका इस पर कोई असर नहीं हुआ, तो बिकॉज जब मेरा फोर्स जो है वो मोशन की ही डायरेक्शन में काम करता है, तो ये जो मेरा कॉस थीटा होता है ये 1 होता है, इस वजह से कॉस थीटा नहीं लिखते, सिर्फ एफ और एस ही लिख देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी, क्लियर है। अब एक चीज और समझिए, अब हमसे ये कहा गया कि रेलवे स्टेशन पर आपने अगर देखा हो कभी तो कुली काम करते हैं, कुली होते हैं ना, तो कुली का काम क्या होता है, सामान उठाना।
तो बड़े बड़े जो बॉक्सेस होते हैं, बड़े बड़े जो ब्रीफ केसेस होते हैं, हैवी हैवी ब्रीफ केसेस, उनको वो उठाकर ऐसे सर पर रखकर और चलता है, ठीक है। उन लोगों को प्रैक्टिस होती है उस चीज की, उस चीज का वो पेमेंट लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक कुली ने सामान उठाया, सामान उठाकर सर पर रख लिया, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, और वो उन बॉक्सेस को उठाकर चलने लगा आगे की तरफ, ठीक है। अब क्या है कि उसने बॉक्स उठा रखे हैं बहुत ज्यादा हैवी, और वो लगातार चलता भी जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि उसने वर्क कुछ करा ही नहीं, उसका वर्कडन कितना है, जीरो है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वर्कडन जीरो क्यों है? वर्कडन जीरो इस वजह से है कि यहां पर जब, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे स्कूल में टीचर पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, या एग्जाम में आ जाता है, तो आप इस चीज को ना, आप थ्योरेटिकली लिखकर बड़ा लंबा 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 आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। आप कहेंगे बिकॉज ही इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन एंड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो देयरफॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इन अनदर डायरेक्शन एंड मोशन इज इन अनदर डायरेक्शन, देयरफॉर वर्क डन इज जीरो। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो आप लिखोगे, उस कहानी को लिखने से बढ़िया एक सिंपल सा फंडा है जो आप समझ जाएंगे क्या। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आप में से किसी भी बच्चे के दिमाग में आता है ये कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर मैं याद नहीं करूंगा, मुझे फालतू में याद करवा रहे हो आप, तो 9th क्लास में तो ये सिलेबस में ही नहीं है, कोई बात नहीं, एंजॉय करो आपकी मर्जी, 10th क्लास में तो फिर याद करने हैं, ठीक है ना। और ये चीज अगर आप याद करेंगे, और ये जो आपको फॉर्मूला बताया है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा, तो आप इतने समझदार हैं कि आप समझ गए होंगे अब तक कि मेरा मोशन भी इसी डायरेक्शन में है और मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई मेरा एंगल जो है थीटा वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो इतनी सी एक्स्ट्रा लाइन लिखने में आपका क्या जा रहा है, आप लिख सकते हैं। और ये आप लिखेंगे तो उससे सीधा सीधा टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा एवे ही नहीं है, बच्चे ने तैयारी कर रखी है, बच्चे ने पढ़ाई करी है पेरेंट्स, ठीक है ना। तो मेरी ये सजेशन है कि आप इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करके ही क्वेश्चंस को करें वर्क एंड एनर्जी के, जहां पर आपसे वर्क पूछा जाता है। और आम जनता जो है, जो आम बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, आंसर उनका भी ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ गुड चाइल्ड एंड अ वेरी गुड चाइल्ड, तो वो डिफरेंशिएशन वहीं चालू हो जाएगा। तो इस बार जो पर्टिकुलरली ये कोरोना वाला टाइम चल रहा है, इसमें टीचर पर इंप्रेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, और वो पढ़ाई से ही होगा। तो ये चीज आपको बता रहा हूँ, तो ढंग से आप लोग समझिएगा। और ये जो टेबल है, हो सकता है आप लोगों ने भी याद ना करी हो, मेरे को देखकर बता दिए हो आपने आंसर्स, ठीक। तो आप लोग इसको सीरियसली याद कर लीजिए। अब जो ये कुड़ी वाला एग्जाम्पल था, इसका इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने से बजाय हम एक शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ठीक है। और वो एक्सप्लेनेशन उस लंबे एक्सप्लेनेशन से ज्यादा अच्छा है, और टीचर भी बोलेगा कि हाँ आपने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। देखिएगा, मैं ये पोर्शन बिठा रहा हूं, ठीक है। वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वर्क डन when the force acts at right angles, when the force, when the force acts at right angles, acts at right angles to the direction of motion, to the x at right angles to the direction of motion, अब एक कुली है,
उसने अपने सर के ऊपर वजन रखा हुआ है, पेट खुली है, उसने अपने सर के ऊपर एक वजन रखा हुआ है और वो वजन रखकर चलता है, तो आप ये देखिएगा उसने ताकत कहाँ पर लगा रखी है। देखिए वो चल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम ये बोलते हैं कि वो इन सूट केसेस पर, इन ब्रीफ केसेस पर कितना वर्क कर रहा है। उसने वजन उठाया और वजन उठाया तो उसने ताकत लगाई इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने ऐसे ताकत लगा रखी है ऊपर, और वजन कौन झेल रहा है, उसकी पूरी बॉडी झेल रही है, ठीक है। तो उसने ताकत लगा रखी है, मतलब उसकी बॉडी ने एक तरह से फोर्स उसको प्रोवाइड कर रखा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि अगर वो नीचे से हट जाएगा तो वो ब्रीफकेसेस नीचे गिर जाएंगे। तो यानी कि उसने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रखी है, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई बेटा अपवर्ड, एंड ही इज मूविंग लाइक दिस, ही इज मूविंग लाइक दिस, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई और मोशन की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। देखिएगा यहां पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, बिकॉज उसने सामान ऐसे उठा रखा है तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, और वो चल रहा है आगे की तरफ तो मोशन की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गई और मोशन इस डायरेक्शन में हो गया, तो अब बीच में एंगल कितना बन गया बेटा 90 डिग्री का, तो कुछ होगी फोर्स की वैल्यू, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, कुछ भी वैल्यू होगी। और मोशन है इस डायरेक्शन में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, हो सकता है वो 100 मीटर चले आ गए, 100 मीटर तक जाए। लेकिन इतना देखिए कि फोर्स में और डायरेक्शन ऑफ मोशन में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम ये कहेंगे वर्क डन बाय द मैन On the suitcases, जिसने suitcases handle कर रखे हैं, तो suitcases पर कितना वर्क कर रहा है, वो suitcases को ऐसे उठा रखा है ऊपर, तो फोर्स तो ऊपर होगी। बेटा हम लिखेंगे वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा है यहाँ पर 90 डिग्री, तो एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, तो ये Fs multiplied by zero। अभी फोर्स कितना भी हो, कितनी भी ताकत लगा रखी हो उसने, डिस्प्लेसमेंट वो 1 किलोमीटर चला जाए, वो 50 किलोमीटर चला जाए, पैदल पैदल चलता चला जाए, वो कितना भी चला जाए, लेकिन ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, तो Fs into zero, किसी भी चीज में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जूल। इसका मतलब ये हो गया उसने सामान उठा रखा है, सामान उठाकर बहुत दूर तक जाता है, बेचारा थक कर चूर हो गया। लेकिन अगर टेक्निकली कोई उससे पूछे भाई आपने काम कितना करा, कुछ भी नहीं करा आपने काम, वर्क डन, योर वर्क डन इज जीरो, समझ में आ गया जीरो जूल कैसे आया? यस सर। बताइए शिवांश क्लियर है सर, दोबारा बता दीजिए। हाँ दोबारा बता देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी है, उसने सामान उठा रखा है सर पर सामान उठा रखा है, तो यानी कि ताकत लगा रखी है उसने कहा ऊपर की डायरेक्शन में, टू होल्ड द वेट स्ट्रेट, है ना। तो उसने जो ताकत है, जो फोर्स है, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगा रखी है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, वर्टिकल, और वो चल रहा है इस डायरेक्शन में आगे की तरफ, आगे की तरफ चल रहा है, तो फोर्स मोशन का डायरेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल। तो आप देखिए मोशन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, और फोर्स लगा रखी है ऐसे,
तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, ये समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। अब जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम ये करेंगे कि वर्क डन बाय द मैन ऑफ द सूट केसेस, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो एफ एस कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जीरो। तो एफ एस इंटू जीरो, वो कितनी भी फोर्स लगाए, वो कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो उसका, लेकिन ये कॉस 90 तो जीरो है ना, तो जीरो गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो जूल इसका आंसर है। वर्क डन इज जीरो जूल, मतलब उस आदमी ने कुछ काम कराई नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी किसी कुली से कोई काम लो तो कहने लगे तुम्हारा वर्क डन तो जीरो है, तो कोई पेमेंट नहीं मिलता तुम्हारा। ठीक है, वो टेक्निकली हम पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन वो थकते तो नहीं, काम तो करते ही। बताइए जी, समझ में आ गया इतना? यस सर। योग क्लियर है? योग समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बेटा, प्राजक्ता और न्यासा तुम दोनों बताओ। यस सर। ठीक है जी, मैं पानी पी रहा हूँ, बस एक मिनट रुकिएगा। अब इसके बाद एक चीज और बताता हूँ, जैसे इतने सारे एंगल्स हमने करे, अब आपने सवाल पूछा था कि क्या इन एंगल्स के अलावा भी कोई और एक एंगल होते हैं, तो और भी काफी सारे एंगल्स होते हैं, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इन एंगल्स के अलावा एक एंगल और बताता हूँ, उस एंगल की वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहीं पर लिख रहा हूँ सर, आप ये देखेंगे कि ना तो मुझे यहाँ साइन थीटा की जरूरत पड़ती है, ना मुझे टैन थीटा की जरूरत पड़ती है, हाँ इस कॉस थीटा वाले की जरूर जरूरत पड़ेगी। पर पूरी टेबल आपको इस वजह से बताइए ताकि लर्न करना आपके लिए आसान हो, आपको नेक्स्ट ईयर ये टेबल करनी ही है ना, तो इस वजह से अभी कर देंगे तो बेनिफिशियल है। तो देखिएगा, एक वैल्यू और है, और उस वैल्यू को, ये वैल्यू है कॉस 180 डिग्री। cos 180 degree is equal to minus 1. cos 180 degree कितना होता है? minus 1. बस ये note करिए और कुछ मत करो। और उसके बाद ये याद रखना है आपको, cos 180 degree जैसे बाकी values learn करिए, ऐसे ही एक ये value learn करिए, है ना? अब मैं एक चीज और बताता हूँ, देखिएगा। ये तो था work done by the force acts at right angles to the direction of motion। आपसे कोई भी पूछे तो आप इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करना कि वर्क डन जीरो कैसे होता है। तो देखिएगा, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, work done when the force acts opposite to the direction
But then when the force acts opposite to the direction of motion, मोशन किसी और डायरेक्शन में हो, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, और फोर्स लगाए हम बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना? तो ये कैसे होता है, आप ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, समझ लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल रोड है कोई, और इस हॉरिजॉन्टल रोड पर यहां बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है, यहां बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहां पर यहां रोड पर एक पुली फिक्स्ड है, पुली क्या होती है वो आप भी समझ जाएंगे, पुली क्या होती है, एक सर्कुलर मेटलिक डिस्क होती है, उस डिस्क में ग्रूव बना रहता है। जैसे अगर आपने किसी ने भी कभी आप किसी गांव में गए हो और आपने वहां पर कोई कुआं देखा हो, वेल होता है ना, वेल कुआं, तो उसमें कुएं में ये होता है कि आप ये देखिए, अच्छा ये यहाँ पर जो है दो कुएं लगी हुई है, एक कुएं यहाँ पर लगी हुई, ये एक मिनट के लिए मेरा वीडियो पॉज होगा, एक मिनट के लिए वेट करिए बस प्लीज। विलेज में गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा जो कुआं होता है तो उसमें ना पुली लगी रहती है, ये मेटल की लोहे की एक सर्कुलर डिस्क होती है जिस पर जो रोप है वो बंधी रहती है। तो आप ये देखिए फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में और इस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा इस डायरेक्शन में, तो मेरा फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों अपोजिट हो गए। और अगर इस चीज को मैं बनाकर दिखाऊं तो आप ये देखिएगा, फोर्स तो लग रहा है बेटा यहां एफ, और मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में और मोशन इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, ये तो पूरा का पूरा 180 डिग्री बन गया एंगल, 180 डिग्री। अक्षत समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये एंगल बन गया हमारे पास 180 डिग्री। अब मैं क्या कहूंगा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस और कॉस थीटा कितना है 180 डिग्री, तो याद रखिएगा cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन, तो एफ एस मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, तो ये हो गया माइनस एफ एस। तो फोर्स की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, ऑब्वियस सी बात है फोर्स तो कभी नेगेटिव नहीं होता,
डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर, तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन बाहर लगा हुआ है नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्यों लगा? बिकॉज कॉस 180 इज माइनस 1, ठीक है? तो ये हमारा हो गया माइनस एफ एस। तो इस केस में जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन इज नेगेटिव। जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क डन इज जीरो। एंड व्हेन फोर्स इज एट एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कभी भी कोई भी एंगल हो तो मेरा वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताइए समझ में आ गया? भाई दुनिया में जो नंबर्स होते हैं वो तीन ही तो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव या जीरो या माइनस या नेगेटिव, है ना? तो हम ये कहेंगे इसी तरह से मेरा वर्क डन या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव सिर्फ एक केस में होता है, when the force and acts opposite to the direction of motion, जब फोर्स और मोशन दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो तब हमारा वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है? जैसे कि ये देख लीजिए माइनस एफ एस, माइनस यानी कि नेगेटिव साइन आ गया, तो ये नेगेटिव वर्क डन है। और जब भी कभी मोशन में और फोर्स के इन दोनों के बीच में जब भी कभी 90 डिग्री का एंगल बने तो आप कहेंगे कि वर्क डन इज जीरो। एंड व्हेनेवर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन इज एनीवेयर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री देन वर्क डन इज पॉजिटिव। तो ये तीन डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, व्हेन योर वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन योर वर्क डन इज जीरो एंड व्हेन योर वर्क डन इज नेगेटिव। और इसमें तमाम तरीके की कहानियां सुनाते हैं बच्चे और पेपर में भी पता नहीं क्या क्या लिखकर आते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल याद करिए और आप बिल्कुल इसी तरीके से टेक्निकली एक्सप्लेन करिए चीज को। बताइए समझ में आ गया सबको? सभी को क्लियर है? चलिए आज के लिए